एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की हमारी यात्रा है जबलपुर से भेड़ाघाट। भेड़ाघाट जाते टाइम देखने को मिलते हैं नेचर का ब्यूटीफुल व्यू, जो कि हमारी यात्रा को कर देते हैं और भी ज़्यादा रोमांचक। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से पता होगा कि भेड़ाघाट वाली वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, लेकिन भेड़ाघाट को एक ही वीडियो में एक्सप्लोर कर पाना पॉसिबल नहीं है। उस बार हम गए थे मकर संक्रांति में, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमको जाना था रोपवे से उस पार। इस वीडियो में मैं आपको रोपवे की कंप्लीट जानकारी दूंगी, रोपवे की टाइमिंग क्या है, रोपवे की टिकट क्या है, तो आप बने रहो वीडियो में एंड तक। और हम आपको दिखाएंगे कि रोपवे से धुआंधार वाटरफॉल का नज़ारा कैसे दिखता है, धुआंधार वाटरफॉल। मैं आपको बता दूं, मैं वीडियो की स्पीड इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ा रखी हूँ, क्योंकि मकर संक्रांति वाली वीडियो में भी यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपने मकर संक्रांति वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाके देखो, चैनल पर अपलोड है। वैसे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बहुत ज़्यादा भीड़ थी मकर संक्रांति में, आप देखोगे तो पता चलेगा। और अब हमारे पैर अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ती जा रहे हैं रोपवे के गेट की तरफ। तो आप देख सकते हो, हम पैदल यात्रा करते 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 फाइनली पहुंच जाते हैं रोपवे के गेट के पास। नर्मदा रोपवे आपका हार्दिक स्वागत करता है। और अब हम बढ़ते हैं टिकट काउंटर की तरफ। तो आप देख सकते हो टिकट काउंटर की टाइमिंग सुबह 10:30 से शाम 6:30 तक है। और ये रही हमारी टिकट, 145 पर पर्सन है। 3 साल से कम उम्र की बच्चों की टिकट नहीं लगती है यहाँ पर। हमको टिकट मिलते ही हम चले जाते हैं रोपवे के पास। आप देख सकते हो जैसे ही फर्स्ट वाली रोपवे निकलेगी, इसके बाद आएगी हमारी बारी। तो हम इंतजार कर रहे हैं उनके जाने का, और आप देख सकते हो हमारा इंतजार हुआ खत्म और हम बैठ चुके हैं रोपवे में, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं भेड़ाघाट से न्यू भेड़ाघाट, तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ ज़रूरी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए भेड़ाघाट आने से पहले। तो सबसे पहली बात, मेन सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। तो आप यहाँ पर मेट्रो बस, सिटी बस से आ सकते हैं या तो फिर खुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं। और आप जब भी भेड़ाघाट आओ, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सुबह के टाइम पर आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे और अपने खूबसूरत पल और लम्हों को आप अपने कैमरे में कैद कर पाओगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। अगर शाम को आओगे या दोपहर में आओगे तो शायद ही आप घूम पाओ। थर्ड एंड सबसे ज़रूरी बात, आप जब भी भेड़ाघाट आओ नौका विहार ज़रूर करें। इस वीडियो में नौका विहार को हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है चैनल पे नौका विहार की, जिसमें हम फुल इन्फॉर्मेशन देंगे कि नौका विहार की टाइमिंग क्या है, इसकी टिकट क्या है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धुआंधार वाटरफॉल से कुछ ही दूरी पर है 64 योगिनी मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की प्रतिमाएँ देखने को मिलेंगी, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। और आप देख सकते हो हम भेड़ाघाट से न्यू भेड़ाघाट पहुंच चुके हैं। तो अब देखते हैं इधर क्या कैसा सीन। पैदल चलते जा रहे हैं क्योंकि हमको चाहिए एक सुनसान सा जगह। तो गाइस, हम ढूंढ ही रहे होते हैं सुनसान सा जगह, कि हमको एक सुनसान सा जगह मिल भी जाता है। और मेरे फ्रेंड जल्दी जा रहे होते हैं, क्योंकि इनको करना है मेकअप। जब तक मेरे फ्रेंड कर रहे हैं मेकअप, मैं निहारती हूँ यहाँ की खूबसूरती को।
और गाइस इस साइड से देख सकते हो धुआंधार वाटरफॉल का सीन कितना अच्छा लग रहा है इस साइड से देखने पर भी। और उस साइड खड़े लोग भी दिख रहे हैं, आप अच्छे से देखो, जूम करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हो। अब हमारा टाइम हो चुका है यहाँ से जाने का। यहाँ घूमने देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम हो रहे हैं लेट क्योंकि हमको करना है नौका विहार। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट वीडियो नौका विहार की आने वाली है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नौका विहार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।